नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉली फ्राइ। शहनाज गिल के पिता संतोख सिंह सुख पर रेप के आरोप लगे थे, जिसके बाद से ये मसला काफी तूल पकड़ गया है। इस पर उनके बेटे शहबाज ने भी अपना रिएक्शन दिया था। शहबाज ने कहा था कि उनके पिता बिल्कुल बेकसूर हैं, उनके पास उस जगह की सीसीटीवी फुटेज है जहां की ये घटना बताई जा रही है। लेकिन सभी को इंतजार है संतोख सिंह की पत्नी यानी शहनाज की मां की रिएक्शन का। उन्होंने अभी तक कोई सीधा रिएक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन एक इंटरव्यू में संतोख सिंह ने बताया कि जब वह महिला उनके घर उनसे मिलने आई थी और जब वे उस महिला से मिले थे तो उनकी पत्नी और उनके मोहल्ले की और भी औरतें वहां पर मौजूद थी। उन्होंने उस महिला के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो महिला बता रही है। उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। अगर संतोख सिंह कह रहे हैं कि उनकी पत्नी उनके साथ थी तो उनकी बात में कुछ दम है, और जहां से यही कहा जा सकता है कि संतोख सिंह की पत्नी इस बुरे वक्त में उनके साथ है और वह बिल्कुल पूरी तरह से सच्चाई से वाकिफ हैं। अगर उनके दिल में जरा सा भी डाउट होता तो वो सोशल मीडिया पर भले ही नहीं लेकिन अपने पर्सनल रिलेशंस में तो इसके बारे में जरूर बात करती, लेकिन अभी तक इसके बारे में ऐसी कोई भी खबरें सामने नहीं आई हैं। वहीं बात करें इस केस की तो इस केस में संतोख सिंह सुख निर्दोष पाए जा रहे हैं। अभी तक आ रही जानकारी के हिसाब से संतोख सिंह पर लगाए गए आरोप झूठे साबित हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आया है। संतोख सिंह सुख ने भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके अपने आप को निर्दोष बताया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि संतोख सिंह पर लगे आरोप झूठे हैं या सच्चे हैं? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर भेजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।